करता है झरने वाला पत्थर। कोई मुंडा है ये तो आया मैं लब लिया यार, यार, यार तुझे एक्चुअली देख रहे नहीं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू म्यूजियम। तो आपको पता ही है रात को मैं पहुंच गया था ना स्वरम बोर्ड। जैसे ही मैं सुबह उठा ना, जब मैं सोया था ना तो सिर्फ दो चार बंदे ही थे आसपास लेटे हुए, और जैसे मेरी आँख खुली ना एक डेढ़ घंटे बाद तो इतने सारे आदमी। और देखिए श्रद्धा देखिए सबकी, सुबह सुबह 4 बजे उठ के समंदर में डुबकियां लगाने आ गए हैं सभी। तो मैं भी अब उठ गया हूँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहते हैं सो उठो हमें कोई फर्क नहीं, हम अपने टाइम पे उठेंगे। तो सुबह सुबह मैं वॉक करते निकल गया हूँ सनराइज देखने, और इधर एक साइड है सनराइज व्यू पॉइंट, तो मैं उसी साइड निकल गया। और रास्ते में नज़ारे काफी सुंदर आ रहे हैं मुझे, और आप भी मेरे साथ मजा लीजिए सनराइज का। तो समंदर का जो सनराइज होता है ना बस देखने लायक होता है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज इस टाइम। तो वॉक के साइड साइड में ना पूरी रामायण जो है चित्रों के जरिए दर्शाई गई है यहाँ पे। और जब मैं गया था तो आपने देखा कि कितने बंदे थे, थोड़े से बंदे थे ना, अभी देखिए कितना मेला लग गया हुआ है यहाँ पे। अभी मैं रामेश्वरा में हूँ, आपको पता है रात को 3 बजे मैं पहुँच चुका था, और यहाँ पे मैं बाइक की रेंटल सर्विस है यहाँ पे, आइलैंड रेंटल सर्विस, और बड़े ही चीप प्राइस पे आपको यहाँ पे अच्छी बाइक जो है ना, ये वाली बाइक अभी मैं लेने वाला हूँ। ये मुझे अभी इनको ड्रॉप करके और यहाँ से मैं बाइक उठाऊँगा, और फिर पूरा रामेश्वरम इसी पे घूमने वाला हूँ। भाई भी मुझे बता रहे हैं थोड़ी प्लेसेस घूमने के लिए, तो बस सीक्रेट प्लेसेस वो घूमेंगे थोड़े सी, और थोड़ा सा हम रामेश्वर के जो फेमस है वो घूमेंगे। तो अब मैं निकल रहा हूँ धनुषकोडी की सड़कों पे, और ये रास्ता सीधा जा रहा है जो श्रीलंका की साइड से लास्ट एंड है ना, उस साइड जा रहा हूँ। राम सेतु देख रहे, राम सेतु जहाँ पे बना हुआ है ना वो देखने जा रहे हैं भाई साहब। ये है धनुषकोडी की सड़कें। तो सड़कों की साइड साइड में पूरी हरियाली है भाई, मजा आ गया इस साइड आने में, पूरा जंगली जंगल है। पीछे लिखा था जाटा तीर्थम, और इस रोड की तरफ इशारा किया था, टूटी हुई रोड है, 1 किलोमीटर बोला, 1 किलोमीटर अंदर जाके देखते क्या है। आज तो बाइक है जहां मर्जी ले चलो। हाँ तो मैं गया हूँ, लेकिन हूँ मैं अकेला ही, है सारा जंगल का जंगल ही, और रोड भी नहीं पूरी बनी हुई, गलती तो नहीं कर ली आगे, यही अपने दिमाग में आ रहा है। जाटा तीर्थम 0 किलोमीटर हेयर कितने तीर्थम इज व्हाट। आगे ये बाइक्स लगी हैं, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे होगा तो जरूर यहीं पे कहीं पे लगा के, वो आगे मंदिर है वहाँ देखते हैं, फिर लगा देते हैं यहीं पे। ऐसे रेत रेत पूरा समुंदर का इलाका ना पूरी। सो जटा तीर्थ है यहाँ पे, बोल रहे हैं पंडित जी कि यहाँ पे जब रावण को वध करके आए थे श्री राम जी, यहाँ पे ये जो कुंड बना है यहाँ पे स्नान किया था, और यहाँ पे 12 बंदे जो थे आए थे और 12 साल तपस्या भी की थी। सो वाओ कुछ अलग है, जंगल में जाके एक मिला है, कहते कि यहाँ पे चारों तरफ पहले और भी ज़्यादा घना जंगल था और सिर्फ 12 बंदे ही आए हैं। तो बता रहे हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ पे सब बंद हो जाता है, और धनुषकोडी भी जाना है तो आपको 5 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, और क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो बस आपकी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए एंट्री बंद है। और मोर नहीं है काफ़ी यहाँ पे, बड़े आराम से घूम रहे हैं, जंगल है ना और बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो अब फिर और आगे चलते हैं, अभी चलते हैं धनुषकोडी की तरफ। को टेम्पल है को दंदरमार टेम्पल, और इसका रास्ता है इस साइड को, तो चलो चलते हैं। और ये रास्ता जा रहा है समुंदर के बीच में से, इधर समुंदर और एक आइलैंड पे बना हुआ है मंदिर, ये भी समुंदर है ये भी समुंदर है। चलो 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 चलते हैं, अब जगह तो देखने वाली है मज़ेदार। नाम बहुत बड़ा है, नाम नहीं मुझे पता, आपको ऊपर दिखा दिया वो देख लेना, लेकिन ये रहा वो मंदिर, ये ये है राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट।
तैरता है तैरने वाला पत्थर अच्छा यही टूट गया हुआ यार से चलता ना सुनामी पानी के नीचे चला गया अभी चलता नहीं ओके है ना एक्चुअली यहाँ से पुल कहते स्टार्ट हुआ था जो बीच में आया तूफान उससे यहाँ से टूट गया यही ये स्टार्टिंग थी राम सेतु के तो इस जगह को लिखा हुआ कि जहाँ पे राम जी ने विभीषण जो कि रावण का भाई था उसका जो राज्याभिषेक किया था वही ये जगह है पीछे। तो अब हम राम सेतु के स्टार्टिंग पॉइंट से जो निकल रहे हैं फिर आगे हो सकता है धनुषकोटी पहुंचे हो सकता है आगे फिर कुछ दिखे तो मैं रुक जाऊँ। लोग ना बुक करा के आ रहे हैं और 500 रुपया उन्होंने बुक कराने का दिया वो एक एक बंदे का कि सारा घुमाएंगे वो मैंने पूछा और मैं 500 रुपये की स्कूटी लिए रेंट पे और मैं अपनी मर्जी से सारा घूम रहा हूँ और जहाँ पे दिल कर रहा वहाँ पे मोड़ रहा हूँ 250 का तेल डलवा के बस जहाँ मर्जी घूमो। साथ साथ में रोड है साथ साथ में समंदर चलेगा। This beach is actually nice. ये धनुषकोडी के रास्ते में जाते हुए बिना नाम का एक बीच है और बहुत ही सुंदर है। ये हरा हरा पानी है पूरा नीला नहीं हरा पानी है ये पूरा। डीपी रेड्डी डीपी रेड्डी ओके राजेश राजेश वेयर आर यू फ्रॉम पंजाब हां पंजाब या वी आर आल्सो फ्रॉम पंजाब फ्रॉम वेयर चंडीगढ़ सच में चंडीगढ़ तो आया और अपने पंजाबी मुंडा है ये तो आया मैं लब लिया यार तुसी एक्चुअली देख रहे नहीं मैं दोनों पहचान लिया। तो जिनसे अभी मैं मिला ना वो IAS रैंक के ऑफिसर है पंजाब में ही उनसे बातें करके मुझे पता चला और मिलके काफी अच्छा लगा। बीच पे जाना औसम है लेकिन बीच के बाद ये जो हो जाता है ना पैरों को पूरा रेत ही रेत ये औसम नहीं है और शू डालने का मन नहीं कर रहा था बार बार चार बार मैंने शूज डाले और शूज रेत साफ करते करते 10 मिनट लग रहे थे अगर छोड़ो डाल ले नहीं शूज अब ऐसे ही चलाएंगे। भाई साहब इसे कहते मज़ा सही है बिल्कुल सही है दोनों साइड बीच और आप भी बीच में से जा रहे हो आप बीच हो रहा है इधर भी बीच हम भी बीच में धनुषकोडी 0.1 अभी हम धनुषकोडी पहुंच गए हैं जी। ये ऐसी शॉप्स है यहाँ पे इन शॉप्स में ज़्यादातर सी फूड ही सेल कर रहे हैं वो और काफ़ी सस्ते प्राइस में और ऑथेंटिक जो सी फूड खाना है ना तो यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा आप। और ये टावर अगर हमें चढ़ने देना इसके ऊपर तो मज़ा आ जाए पर नहीं चढ़ने देंगे बड़े चला गए किस चीज़ का टावर है ये गवर्नमेंट की बसें भी जाती हैं धनुषकोडी की तरफ मतलब रामा सेतु तक बसें भी जाती हैं अगर आपको बस पे आना है तो बस पे आ जाइए 20-30 रुपए किराया होगा ज़्यादा नहीं होगा। धनुषकोडी पे लास्ट नहीं होता इस रोड का हमें 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा लास्ट देखने इस रोड का और वहीं से रामा सेतु का भी व्यू दिखाते हैं वो और ये मैं पहुँच गया हूँ और यहीं पर बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं आगे और यहाँ पे पहुँचते हैं ना ये बड़े रंग बिरंगे फ्रूट काट के लगाए हुए हैं तो बड़ा मजा आया देख के खा भी लिए मैंने। आखिर में पहुँच के आपको ये देखने को मिलेगा और बीच भी है यहाँ पे और ये है लास्ट हमारे श्रीलंका की तरफ से एक्चुअली लास्ट पे आके भी आपको समुंदर ही देखेगा वो थोड़ी बायनोकुलर लगाई हुई है उसमें से मैंने देखा है और फिर भी कुछ नहीं है ऐसे लग रहा है जैसे वो सामने ना वो एक आइलैंड है बस वो दिखा रहे हैं उसके पीछे एक लैंड है बस वो दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं ये एक्चुअली श्रीलंका है और यहाँ पे बाइनक यहाँ तक राम सेतु एक्चुअली वो नीचे है पानी के नीचे है राम सेतु ऊपर नहीं है बट जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना ये लास्ट है इंडिया का श्रीलंका की तरफ पर अभी जो मेन लास्ट है कन्याकुमारी वो हम देखेंगे बाद। तो भाई साहब ये जो आप शॉट देख रहे हो ना ये मेरे कैमरे से लिए हुए कुछ
आखिरी पल है, ये आखिरी शॉट है मेरे कैमरे से लिए हुए। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने आपको पता है बेंगलुरु में कैमरा ठीक करवाया था ना, वहाँ से पता नहीं उसने सही किया कि नहीं किया, मैंने ये शॉट लिया और इसके बाद मेरा कैमरा हो गया डेड और फिर से हो गया डेड। 19,000 लगाए थे पहले और अब पता नहीं कितने और लगेंगे और बस अब मैं पक गया हूँ इससे, अब नहीं करवाऊंगा। वापस आ गया मैं रामेश्वरम और रामेश्वर मंदिर में कैमरा नहीं अलाउड, तो बाहर से मैंने वीडियो बनाई और उसके बाद मैं चला गया बोट राइड पे और 100 रुपया दे के ये बोट राइड है और बड़ी शांतमयी बड़ी सुंदर बोट राइड है। यहाँ पे बैठ के आपको आधा घंटा वो तसल्ली से घुमाएंगे, पूरा जो रामेश्वरम का व्यू दिखेगा आपको और काफ़ी सारी बोट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहली बार हवर क्राफ्ट देखी है और ये नेवी की हवर क्राफ्ट है एक्चुअली, और बहुत ही शांतमय ये रही है मेरी। और ज़्यादातर ये जो जितनी भी आप बोट्स देख रहे हो, ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो मच्छी जो पकड़ते हैं ना वो उनकी बोट्स हैं और टूरिज्म के लिए सिर्फ ये एक बोट है और काफ़ी अच्छा रहा इसका टूर। अभी भी मेरे अंदर ना कैमरे को लेके ना बेचारा है, थोड़ा कुछ ना कुछ अंदर हो रहा, अभी मेरी शक्ल देखो बस। आधे घंटे की अच्छी बोट रही रामेश्वरम में, काफ़ी अच्छा टाइम बिता के वहाँ का सनसेट देख के मैं फिर से बैठ गया हूँ अब मदुरई की बस में। और मदुरई पहुँचते ही मैं अब सीधा चला गया मीनाक्षी अम्मा टेंपल, जो यहाँ का फेमस टेंपल है वहीं पे पहुँच गया हूँ मैं। काफ़ी क्यूट लग रही है ये, काफ़ी ज़रा बच्चे शिव जी की ड्रेस में आए हुए हैं और साउथ में अम्मा बोलते हैं माता को, और ये है मीनाक्षी अम्मा का टेंपल, मतलब मीनाक्षी माता का टेंपल। और मीनाक्षी माता सती माता का ही एक स्वरूप है और यहाँ पे भी अंदर कैमरा नहीं अलाउड था पर अंदर बहुत खूबसूरत था। तो रात के 11:30 बज गए और मैं पहुँच गया हूँ वही जगह जहाँ पर मैं साइकिल अपना छोड़ के गया था। अभी जाता हूँ देखता हूँ कि साइकिल वहाँ पे है भी है कि नहीं, तो ठीक है वहाँ से साइकिल लेते हैं फिर आगे चलते हैं आगे। आज पता नहीं कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं, तो कोई पता नहीं 11:30 बज गए और रात को बड़ा मुश्किल होता है यार ढूंढना। तो हमारी साइकिल हमें मिल चुकी है सही सलामत हालत में, तो चलिए इसे अब लेके चलते हैं और ढूंढते हैं कोई रहने का आशियाना। तो मदुरई सिटी में तो आपको रहने के लिए 300-500 में मिल जाएंगे बड़े सस्ते, लेकिन बाहर आउटस्कर्ट में हूँ मैं तो यहाँ पे मिल नहीं रहा सस्ता कोई 1000 कोई 1500 किससे कम कोई दे ही नहीं रहा, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त इतना। तो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। जैसे जैसे ये ट्रिप का आखिरी टाइम आ गया है वैसे वैसे पैसे खत्म हो गए, तो मैं देख रहा हूँ कहीं पे मुझे मिल जाए रहने का कोई आशियाना सस्ता सा। अभी मुझे इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पे मुझे मैंने उनसे बात की और मुझे जगह मिल गई रहने को। बैक साइड पे मैंने अपना टेंट लगा दिया और पास ही में मुझे इन्होंने एक चार्जिंग पॉइंट भी प्रोवाइड कर दिया है, तो और क्या चाहिए मुझे। चलिए फिर कल मिलते हैं, अब सिर्फ 200 कुछ किलोमीटर रह गया कन्याकुमारी और पहुंच जाएंगे कल या परसों तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए पेड़ लगाएं ताजो आपको हमें अच्छी सांस आए, सायनोरा बाय बाय, कल मिलेंगे जल्दी ही।